Hi friends, welcome back to the Pragmatic Looper. Constraints जिंदगी के पार्ट एंड पार्सल होते हैं और ये लॉकडाउन भी कुछ अलग नहीं। ऐसे कंस्ट्रेंट्स या प्रतिबंध को अपने क्रिएटिव जूसेस पे भारी ना होने दें, बजाय बहने दें किसी भी स्पेस को डेजल अप करने। अपने डिजायर्स ब्लैंकेट की तरह ओढ़ लें, स्नग एज अ बग इन अ रग। घर में हर चीज मौजी ढंग से ब्राइटन अप हो जाएगी, जिसे हम हर ओकेजन सेलिब्रेट कर सकते हैं घर बैठे अपने कंफर्ट लेवल में। अब जब हम इस सीरीज कोजी डेन के आखिरी पार्ट में हैं, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अगर अभी तक पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखा, जरूर देखें। लिंक्स ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है पूरे डिटेल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, जो स्क्रैच से बनाया गया है, और ऐसे होम डेकोर के अपीलिंग आइडियाज के लिए। मैं पक्के से कहती हूँ, सारे 4 पार्ट्स देखने के बाद एटलीस्ट ऐसे नैक डेवलप हो जाएगा जिससे आप घर के लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम उपयोग कर सकेंगे और कई और अल्टरनेटिव तरीके भी जानेंगे, जिसे यूनिक और अनोखे वेरिएशन से कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट मिलेगा। इस लॉकडाउन की वजह से ये मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस था। घर के किसी भी कॉर्नर को सुंदर बना के उसे अपनी चॉइस का एक अल्यूरिंग कोजी डेन बनाना, वो भी मिनटों में, लिमिटेड सप्लाईज के साथ और सबसे सस्ते में, जिससे अपने स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकी। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखा है तो पता ही होगा दिवाली डेकोर के लिए कैसे बनाया था ये यार्न ऑब्स। अगर नहीं देखा तो डिटेल्स के लिए ऊपर दिए लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं प्रिफर करती हूँ मेरे क्रिएटिव DIYs को अन्य दूसरे प्रोजेक्ट्स में रीयूज करूँ, पर एक अलग और यूनिक तरीके से, ताकि पहली बार की मेहनत ज्यादा काम की हो, उन्हें और ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में शामिल करके, ताकि इन्हें इस्तेमाल करने के लिए हर बार आपको मिले नए आइडियाज और अलग अलग तरीके। फिर भी इस वीडियो के खातिर जल्दी से कुछ बेसिक स्टेप्स बता देती हूँ। समान मात्रा में मिलाएं गर्म पानी में कॉर्नस्टार्च, फिर ऑल पर्पस कोई भी ग्लू 1:1:1 प्रोपोर्शन में, उनको इस मिक्सचर में भिगा के इस फूले हुए गुब्बारे पे लपेट दें। रात भर सूखने दें, गुब्बारा फोड़ लें। डेकोर के लिए तैयार है सुंदर से यार्न ऑब्स। फिर भी लिंक जरूर चेक करें, ताकि दूसरे हैक्स और डूज एंड डोंट्स भी पता चले, जिसे ये सारे काम बिना झंझट के हो जाए और फाइनल रिजल्ट स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो। उन सारे यार्न ऑब्स से सिर्फ सफेद वाले चुन लिया जो मेरे इस डेकोर थीम को मैच करेगा, और इन्हें इन स्ट्रिंग लाइट्स में डाल दें। आशा है आप देख ही लिया होगा पहले वीडियो में कैसे इन ब्रांचेस को इस वास में सेट किया था। अगर नहीं तो ऊपर दिए आई बटन को चेक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी, या तो इन यार्न ऑब्स के गैप्स में जो इन लाइट बल्ब्स में फिट हो जाएं, या सीधे ब्रांच के टिप में भी डाल सकते हैं। लग रहा है ना स्नो से भरा एक फेस्टिव कॉर्नर। दूसरा वाला सबसे सिंपल है। जैसे ही सारे सफेद ऑब्स मिल जाएं, अलग से एक वोन का टुकड़ा लेके इन ब्रांचेस पे टाई कर लें, या सिंपली ब्रांचेस के टिप में स्लाइड कर दें, और हो गया। घर बैठे एंजॉय करें अपना स्नो टिप्ड ब्रांचेस। सेम उसी फैशन में जैसे पहले वीडियोस में देखा था, दूसरा वेरिएशन इन सिंपल व्हाइट ब्रांचेस का है। इन पे ये कॉपर वायर LED फेरी लाइट्स रैप करें और ये छोटे क्यूट स्नोफ्लेक्स लगा लें, फेस्टिव वाइब और एडेड ग्लो के लिए। चले देखें इन ग्लास लैंटर्न्स को भरने का दूसरा तरीका। मेरे पास ये छोटी सी क्यूट सी लिटिल एंजल थी, और वो भी सफेद। इसीलिए पहली चीज इस फिगरिन को अंदर सेट कर दिया, है ना कितनी क्यूट। ग्रेजुअली लैंटर्न को इन यार्न ऑब से भर दें। डू नॉट वरी, जो नीचे गिर गए हैं ये डेकोर का ही पार्ट है। यही सेम सेटअप में एडेड ट्विंकल और वार्म्थ के लिए
इंक्लूड किया ये कॉपर वायर, एलईडी फेरी लाइट्स। पास से देखने पर रियलाइज हुआ, अगर फेरी लाइट्स और फिलर्स का कलर अलग है, ऐसे रैंडमली डालने के बजाय जो नीट नहीं दिख रहा, इनकेस आप ट्राई करें, क्योंकि ये कॉपर वायर का है, इन्हें आसानी से बेंड करके इन यान ऑब्स के गैप में डाल लें। तो बाद में मैंने इस अरेंजमेंट के लिए किया, पर ऑफ कैमरा, और पहले के शूट किए क्लिप्स यूज कर रही हूँ, पर समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहती हूँ। सेम उसी तरह जैसे स्ट्रिंग लाइट्स के बल्ब में डालते हैं। अगर फेरी लाइट्स के बजाय ऐसे स्ट्रिंग लाइट्स हैं, तो उन्हें भी यूज करें, इंटरट्वाइन करें यार्न ऑब्स के साथ। और एंजॉय करें ये सेटअप। और इस तरह आपको मिलेगा अपना स्नग और कम्फी कॉर्नर, जो आपके मकान को घर बनाएगा। अब तक तो आपने देख ही लिया होगा, बिना ज्यादा खर्च किए कैसे ऐसे सिंपल और जल्दी बनने वाले DIYs, जिसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, हर किसी के लिए एक विन विन। और क्या बेटर तरीका हो सकता है, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के साथ साथ एक एंटाइसिंग घर भी मिलेगा, जो स्ट्रेस बस्टर होगा, और इसी तरह हर दिन स्पेशल सेलिब्रेट करें। आशा है आपको मेरी ये क्रिएटिविटी पसंद आई होगी, या अगर ये वीडियो आपके किसी काम आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियोस को बनाने में, प्लीज एक्नॉलेज करें लाइक या सब से अगर अभी तक नहीं किया। स्टे ट्यून मेरे आने वाले वीडियोस में और ऐसे इंटरेस्टिंग डेकोर आइडियाज जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।